हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो आज कुछ दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ बताने वाला हूँ। देख तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ये देख लें कि ये जो हमारा नोटिस आया हुआ है वो 29 जनवरी 2022 का है, यानी आज ही दिन का है, ठीक है। और अगर आप भी छात्र हैं, बिनाव आप यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 5 का छात्र है, तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या नोटिस है नहीं है हम सब कुछ बताएंगे। आप लोग देख सकते हैं बिनाव भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग का लिखा हुआ है। इसका PDF लेना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और तो व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े तो लिंक दिया गया, जा करके जुड़ जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, सूचना लिखा गया, सभी अभिभुक्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि COVID-19 को ध्यान में रखते हुए सेमेस्टर 4 में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को अगले सेमेस्टर में VB वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत नामांकन लेने की अंतिम तिथि 4/2/2022 तक की जाती है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया, बहुत लोगों का ये कन्फ्यूजन था कि जो हमारा एडमिशन फॉर्म भरने का लास्ट डेट है सेमेस्टर 5 का, वो सेमेस्टर 5 का जो हमारा एडमिशन डेट भरने का लास्ट डेट मतलब कब तक है, ठीक है। तो मैं बता देना चाहूँगा कि यहाँ पे देखिए नोटिस आ चुका है कि आप 4 फरवरी तक ही आप भर सकते हैं, इसके बाद नहीं भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत आप अपना नामांकन सेमेस्टर 4 में, और वैसे विद्यार्थी जो सेमेस्टर 4 में उत्तीर्ण हुए हैं, सेमेस्टर 4 में पास हुए हैं, वैसे विद्यार्थी सेमेस्टर 5 के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे और अपना नाम को भी क्या करेंगे, एडमिशन करवाएंगे, और उसका अंतिम डेट 4 फरवरी को है। क्योंकि देखिए फिर क्या बताया जा रहा है कि उसके बाद 4 फरवरी को जैसे ही आप लोग क्या करोगे, फॉर्म वगैरह फिलअप कर दोगे, उसके बाद महाविद्यालय क्या करेगा, नामांकन समाप्त होने के बाद क्या करेगा, जितने भी सारा सूची है, जितने भी सारे पैसा है, वो सब अपने महाविद्यालय में भेज दिया जाएगा, ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है यहाँ का, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस था आप लोगों के लिए। अभी तक अगर आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज़ जाकर के आप लोग फॉर्म भर लें। और मैंने फॉर्म कैसे भरोगे इस पर भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बता रखा है, तो आप लोग वहाँ से जाकर के देख लें, ठीक है। कोई दिक्कत आता तो व्हाट्सअप के माध्यम से पूछ सकते हैं, कॉमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये आप लोग का एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो कि आप सभी को देना था। तो इसी प्रकार का वीडियो आप अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर करें। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें।